अमृतसर के इलाका सुल्तानविंड गेट की नामदेव कलोनी नज़दीक गुरद्वारा तूत साहब के कोल सेवादार सरदार मनजीत सिंह लुथरा वार्ड नंबर 42 ने गरीबा की मदद वास्ते आयुष्मान कार्ड का आयोजन किया गया। इस मौके पर हुकमजीत सिंह मैडम हरदीश कौर शामिल सन। खबर आज तक अमृतसर तो मधु राजपूत की विशेष रिपोर्ट। जो अखबार जी ने जो वादे किए हैं तो सारे पूरे हो रहे हैं, तो जो भी कम कुछ वादे रह गए हैं वो जल्द ही पूरे हो रहे हैं। जो कार्ड सरबत सेहत बीमा योजना तहत कार्ड बनाए गए हैं, इन्होंने कार्डों उत्ते 5 लाख तक का इलाज ठीक रह गया। ये स्कीम पहला सेंटर सरकार वालों है, तो हूँ इस टाइम इन्हों उ तकरीबन हर चीज़ का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। पहला पता से कि कुछ बीमारियां जिन्हों का इलाज नहीं होंगे, जिन्हें डिलीवरी केस हो गया, पिते की पत्थरी हो गई, ये इन्हों पर पॉसिबल नहीं क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल। इस तो अलावा कोई होर हो तो इस कार्ड पर कोई नहीं। सर अमृतसर के तकरीबन 60+ हॉस्पिटल है, ठीक है जी। अगर किसी में इस चीज़ की हिस्ट्री हो गई तो SHA पंजाब से लेके शाह पंजाब हॉस्पिटल इन अमृतसर सारे रिश्ता की बहुत शुगर के मरीजों वास्ते ये कार्ड। मैम नहीं, शुगर के मरीजों वास्ते नहीं। हाँ इन्ना हो सकता कि इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मेडिसिन बिल्कुल फ्री हो, एग्जाम्पल जो गुरु नानक हॉस्पिटल हो गया, क्योंकि तकरीबन जिन्हें बंदे हॉस्पिटल में जाते उन्होंने दस कि इतों दवाई फ्री होती है। सर आयुष्मान कार्ड उत्ते कई हॉस्पिटलों से कहा गया कि जिहड़े कि नहीं चलते पे, तो जिन्हों के बच्च के वे वे जो भी कि इलाज कराए जाते कि छोटे जिन्ह की यानी कि रसोली आ जे या पिते की पत्थरी आ ते जा किसी की छोटी हरनी पत्थरी आ जाती वो नहीं होंगे। सर नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं है। सब तो पहला जो असं आयुष्मान कार्ड लैके डायरैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाने कार्ड नहीं चलते, सब तो पहला सानू सिविल हॉस्पिटल जाना चाहिए जी, उत्थे वो रैफर कर दें जिस हॉस्पिटल में उत्थे कार्ड चलेगा। अगर असी डायरैक्ट सानू पता नहीं होगा कार्ड का की वैल्यू की किस तरह चलेगा, असी कुछ नहीं कर सकते। सब तो पहला सिविल या गुरु नानक, उस तो अलावा अगर उन्होंने को किसी चीज़ का सल्यूशन ना हो तो फिर वो रैफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, बेस्ट सिविल तो गुरु नानक उत्थे चल रहे हैं। अगर उन्हों को किसी भी जिन्होंने कहें कि कोई होर बीमारी होने समझ तो बाहर हो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल रैफर करते हैं, कार्ड चलते 110% चल रहे हैं जी। धन्यवाद। किसी भी एज स्टार्ट जेडे आयुष्मान कार्ड स्टार्ट की एज लिमिट हैगी 6 साल तो प्लस, जिमें कि कुछ बच्चे होंगे जिन्हों के फिंगरप्रिंट नहीं लगते, 5 साल तो बाद बच्चे के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड अपडेट होंगे, उस तो बाद आयुष्मान कार्ड बन जाता है।